जाने कैसी टीचर है, क्या कहा योशिनागा मैम। मुझे तो लगता है मेरी इतनी अच्छी रिंग देखकर आपको
है ना? जिस रिंग की तुम बात कर रही हो, इस तरह की रिंग्स मेरे पास बहुत सारी हैं। मुझे नहीं लगता आपके पास ऐसी रिंग हो भी सकती है योशिनागा मैम। हाँ, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। अरे रुक जाइए आप लोग। ठीक है, तो अब मेरे स्टॉल की बारी है। तुमने किस चीज का स्टॉल लगाया है? देखो, ये तुम सबके स्टॉल से कुछ अलग है। मैं सबको इंटरनेट से शॉपिंग करवाने वाला हूँ, जो कि सच में बहुत ही मजेदार होगा। शिनचैन, बताओ कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा इंटरनेट तो टूट गया। तुमने तो तोड़ दिया, पर इसमें कुछ भी नहीं मिला। मैंने तुम्हें बताया ना, इंटरनेट शॉपिंग से तुम कुछ भी खरीद सकते हो, जो भी तुम चाहो शिनचैन। तो ठीक है, मुझे क्वांटम रोबो बॉडी पिलो चाहिए। उसमें क्या है, ऑर्डर दो और बस हो गया। वैसे बहुत हो गया शिनचैन, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम करना है। प्लीज मुझे ये दे दो ना। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। अगर तुम ये नहीं दोगे तो मैं ऑर्डर कैसे करूँगा? ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ऑर्डर कर दो। या तो मेरे लिए क्वांटम रोबो बॉडी पिलो ऑर्डर नहीं करोगे खजाना? ये लो लैपटॉप, और जो भी ऑर्डर करना है कर दो। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर ऑर्डर कैसे करते हैं? अगर तुम्हें टॉय चाहिए तो फिर तुम यहाँ से इस टॉय कैटेगरी में से सिलेक्ट कर सकते हो शिनचैन। ये लो, टॉय का नाम सिलेक्ट करो। इतना मत सोचो शिनचैन, अब जल्दी करो। अच्छा, समझ गया। हाँ ठीक है, क्लिक करो। क्लिक? हाँ, अब करो भी। कर दिया। सोच क्या रहे हो, जल्दी से क्लिक करो। इसमें तो वो है ही नहीं। ठीक है, ये लो, अब इससे यहाँ ऊपर क्वांटम रोबो लिखो। क्या तुम अंदर नहीं आओगे? अरे वाह, ऐसी सूरज की रोशनी में पैरों की मसाज करवाना कितना अच्छा लगता है। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आराम से लेट जाइए बस, और मसाज का आनंद लीजिए। वाह, मजा आ गया शिनचैन। अरे वाह, सर के पैरों की मसाज कर रहे हो, तुम्हारा स्टॉल तो वाकई कमाल का है। अभी स्टॉल फुल है, अगर आपको भी मसाज करवानी है तो वहाँ अपना नाम लिख दीजिए। अच्छा ठीक है। मुझे तो नींद आ रही है। बहुत बढ़िया खजामा, मैं भी आराम करता हूँ। अरे ये लोग तो सो गए, मेरी बारी कब आएगी? लगाई मासी ने भेजी है ग्रीन टी। काई ने क्या भेजा है? ओह शिनचैन। हेलो मॉम, आपने बुलाया? नहीं तो? पर अभी तो आपने शिनचैन कहा। अरे मैंने शिनचैन नहीं, शिनचा कहा था, और मैं ग्रीन टी की बात कर रही थी। ये पैकेट कहाँ से आया है? ये ओकाई ने भेजा है। मैं बहुत खुश हूँ। इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है मॉम? क्योंकि ग्रीन टी मुझे बहुत पसंद है। ये अच्छा हुआ कि ओकाई ने इसे मेरे लिए भेज दिया। अरे वाह, फिर तो मैं भी इसे ट्राई करूँगा। मेरे लिए बना दीजिए ना मॉम। अभी नहीं शिनचैन, हम लोग इसे शाम को पिएंगे, जब तुम्हारे डैड ऑफिस से घर आ जाएंगे। किसका फोन होगा? ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, मैं मिसेज नोहारा। अरे ओकाई। हाँ हाँ, मुझे वो पैकेट अभी अभी मिला है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें याद था कि मुझे ग्रीन टी बहुत पसंद है, आज हम शाम को ही इसे पिएंगे। हिमावरी, तुमने ये क्या कर दिया? अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ये ग्रीन टी मैं उसमें भर देता हूँ।
खा लेता हूँ। ठीक है। बहुत सारी है। क्या है? ये ग्रीन टी है, पता है ओकाई ने इसे हमारे लिए भेजा है।
वो तो ठीक है, लेकिन तुमने इन्हें बॉटल्स में भर के इस तरह फ्रिज में क्यों रख दिया है मित्सी? अब तक तो इसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो गया होगा। आइसक्रीम पी पी के आपको मजा आ जाएगा डैड। सच में तुम इसे पी कर देखो, ये बहुत टेस्टी है। क्यों डैड, आप गर्म पीना चाहते थे? नहीं, मैं इसे ठंडा ही पी लूंगा बेटा। ठीक है। हैरी, अब से कोल्ड ड्रिंक की जगह इसे पीना कैसा रहेगा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ मित्सी? बिल्कुल सही सुना आपने। ठीक है, जो मिलेगा पी लेंगे हम। कितना बोरिंग दिन है ना शिनचैन। हेलो नना को दीदी, आप कैसी हैं? आज का दिन कितना अच्छा है ना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शिनचैन, तुम्हें तो हर चीज अच्छी लगती है। दीदी, आपके हाथ में क्या हुआ? ओह अच्छा, ये मुझे कल एक मधुमक्खी ने काट लिया था। नना को दीदी, चलिए आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, डॉक्टर आपको दवाई देंगे और आप ठीक हो जाएंगी। कोई बात नहीं, वो मधुमक्खी एक बार मुझे मिल जाए उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको काटने की, गंदी मधुमक्खी? अरे कोई बात नहीं। नना को दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बदला लेकर ही रहूँगा, ठीक है? कहाँ जा रहे हो शिनचैन? आजकल टीवी पे मेरे पसंद का कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एक्शन कामिन की सीडी दे देती हूँ, जो अभी मार्केट में भी नहीं आई है। एक्शन कामिन मुझे पसंद नहीं। अरे तुम देखो तो सही, वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। क्या कर रहे हो मिस्टर बॉडीगार्ड? मैं भी बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ, मुझे अपना सुरंग बना लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बॉडीगार्ड नहीं बन सकते। प्लीज मिस्टर बॉडीगार्ड बना मत कीजिए, बना लीजिए ना मुझे अपना स्टूडेंट प्लीज। बॉडीगार्ड बनने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें बॉडीगार्ड नहीं बना सकता हूँ। बॉडीगार्ड तुम्हें शिनचैन को सिखाना ही होगा, समझ गए ना? नहीं मैम, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं सिखा सकता हूँ। बॉडीगार्ड, शायद तुम्हें एक बात पता नहीं होगी कि डैड ने अगले महीने तुम्हारे फेवरेट एक्ट्रेस को घर पर बुलाया है, तुम उससे मिलना चाहते हो ना? शिनचैन की मदद करोगे तो मैं तुम्हें उसका ऑटोग्राफ भी दिलवा दूंगी। ठीक है शिनचैन, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बॉडीगार्ड कैसे बनते हैं, आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो। तो शिनचैन, तुम तैयार हो एक अच्छा बॉडीगार्ड बनने के लिए? बताओ। ये तो बहुत ही आसानी से मान गए। क्यों नहीं मानेगा, आखिर बॉडीगार्ड किसका है? सबसे पहले सावधान। लेकिन किससे? सावधान, खड़े हो जाओ। अच्छा, अब विश्राम। विश्राम में सोना नहीं है, इस तरह से खड़ा होना है। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी बात, बॉडीगार्ड बहादुर होता है तो तुम्हें भी वैसा ही बनना होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से बॉडीगार्ड बनने के लिए क्या जरूरी होता है शिनचैन? हर चीज पे नजर रखना। ये चीज तो अच्छा बॉडीगार्ड बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। आपकी तरह हेयर स्टाइल भी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो इतना जरूरी है। तो फिर ठीक है। एक अच्छा बॉडीगार्ड वो होता है जो अपने मालिक की हमेशा सुरक्षा करता है, वो भी किसी भी हाल में। और सबसे जरूरी बात ये है कि इस बात का ख्याल रखो कि आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। संदिग्ध व्यक्ति? जैसे वो? हाँ ऐसा हो सकता है, माना कि वो अजीब लगते हैं पर वो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई संदिग्ध व्यक्ति हैं, और वो बहुत ही अच्छे और भले इंसान हैं, इसीलिए तुम उन्हें संदिग्ध नहीं कह सकते। ठीक है। दूसरी जरूरी बात, जिसको तुम बचा रहे हो अगर वो खतरे में हो तो उसके सामने खड़े हो जाओ। लेटने से काम नहीं चलेगा क्या? लेट कर तुम दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते और अपने मालिक को खतरे से नहीं बचा सकते, समझ गए शिनचैन? मान लो कि तुम्हें कजामा को गार्ड करना है तो कैसे करोगे? ओ कजामा, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ कजामा, और तुम्हें दुश्मनों से बचा रहा हूँ। मेरे मालिक कजामा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आखिर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मुझे चोट लग गई। मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। जब सच में कोई मुसीबत होगी तब मुझे बचाना, ठीक है, उससे पहले नहीं। किसी भी बॉडीगार्ड को झाड़ियों में छिपना आना चाहिए और उसे ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं पर भी चढ़ सके, और रोज एक्सरसाइज करना बॉडीगार्ड के लिए बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना ही काफी रहेगा, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। लगता है ये ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अगले दिन
तो ठीक है, अगर तुम्हें वाकई बॉडीगार्ड बनना है तो तुम्हारे पास बॉडीगार्ड की ड्रेस होनी चाहिए, और इसीलिए मेरे पास है तुम्हारे लिए एक ड्रेस, और इस ड्रेस के साथ एक चीज और है, ये काला चश्मा। क्या बात है, कैसा लग रहा हूँ? तुम्हें पता है आज यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है और यहाँ पर आई चैन भी आई हुई है, तो हमें मिलकर उनका ख्याल रखना होगा, तो तुम तैयार हो ना? आपने कान में क्या लगाया हुआ है? ये इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, इससे हमें आसपास की जानकारी मिलती है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, प्लीज मुझे भी दे दीजिए ना ये वाली चीज, मुझे भी चाहिए प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक और है। अब तुम पूरी तरह से एक बॉडीगार्ड बन गए हो। आपका स्वागत है प्रिंसेस। तो तुम्हें समझ में आया, तुम्हें सब पर नजर रखनी है, अगर तुम्हें लगे कि मैम को किसी चीज से खतरा है तो तुम्हें उन्हें बचाना है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर बॉडीगार्ड, मैं सब संभाल लूंगा। शिनचान, मैं कैसी लग रही हूँ? आज मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अभी तो यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा है, चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, पर ये शिनचान कहाँ है? उम्मीद है वो अपना काम सही से कर रहा होगा। शिनचान यहाँ है? तो आईचैन कहाँ है? मैंने इसे उन पर नजर रखने को कहा था। आपने मुझसे ये ले क्यों लिया? मैंने ये तुम्हें गाना सुनने के लिए नहीं दिया था, मैंने तुम्हें मैम का ख्याल रखने को कहा था। वैसी बात है क्या? यहाँ पर मौजूद मैं सभी मेहमानों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे बीच में है आईचैन। आईचैन आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे बीच में आई, तालियां। और आईचैन आपका स्वागत करने के लिए हमारे पास है एकदम फ्रेश जूस, और इस जूस की खासियत के बारे में आपको बताएंगे जो हमारे साथ खड़े हैं ये जेंटलमैन। मैं इसके बारे में कुछ खास नहीं बताऊंगा, मैं बस ये कहूंगा कि आप इसे पीजिए और खुद जान लीजिए। ये तो मेरा फेवरेट है। आप ठीक तो है ना मैम? मैम आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक है ना? हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। शिनचान तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? बिल्कुल नहीं, बढ़िया। हमारे इस छोटे से बॉडीगार्ड ने तो कमाल ही कर दिया दोस्तों। शुक्रिया शिनचान, आज तुमने मैम को बचा लिया। ओ शिनचान तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा शुक्रिया। अरे नहीं, अब मैं इतना भी खास नहीं। और अगले दिन, ठीक है मैं ननाको दीदी का बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो चुका हूँ। डैड आपको आने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, तुम्हें कल भी मधुमक्खी ने काट लिया था और अगर आज फिर काट लिया तो क्या होगा? मधुमक्खियाँ रोज रोज थोड़ी ना काटती हैं। तुम बातें बनाना बंद करो, मैंने बोल दिया ना कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के चलूँगा। नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है डैड, आपको कोई और भी तो काम होगा, आप वो कर लीजिए। नहीं मैं चलूँगा। डैड मैं ठीक हूँ। नैको दीदी तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है?